कोटा के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर का क्या है यूपी और हरियाणा कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। पहला शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल, निवास हरियाणा। दूसरा शूटर धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल, निवास उत्तर प्रदेश। तीसरा शूटर शिव कुमार, निवासी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में ही कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। तीनों शूटर्स का संबंध इन्हीं दोनों राज्यों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मर्डर से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गतिविधियों पर कई दिनों तक नजर रखी, फिर उन इलाकों की रेखे की जहाँ जहाँ बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। इसके बाद तय हुआ मर्डर का दिन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग एक महीने पहले ही हो चुकी थी। शूटर्स करीब एक महीने पहले ही मुंबई पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई के कुर्ला में 14,000 रुपए महीने पर किराए का मकान लिया और फिर पूरे इलाके की रेकी की। उसके बाद दशहरे का दिन मर्डर के लिए चुना। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी एक साथ पंजाब की एक जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गों से शूटर्स की पहचान हुई। इसके बाद तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इन शूटर्स को 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50,000 रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। मुंबई पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए रवाना हो चुकी है, जिससे इस केस की गहराई तक पहुंचा जा सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। एस्ट्रा के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर का क्या है यूपी और हरियाणा कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। पहला शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल, निवास हरियाणा। दूसरा शूटर धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल, निवास उत्तर प्रदेश। तीसरा शूटर शिव कुमार, निवासी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में ही कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। तीनों शूटर्स का संबंध इन्हीं दोनों राज्यों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मर्डर से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गतिविधियों पर कई दिनों तक नजर रखी, फिर उन इलाकों की रेखे की जहाँ जहाँ बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। इसके बाद तय हुआ मर्डर का दिन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग एक महीने पहले ही हो चुकी थी। शूटर्स करीब एक महीने पहले ही मुंबई पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई के कुर्ला में 14,000 रुपए महीने पर किराए का मकान लिया और फिर पूरे इलाके की रेकी की। उसके बाद दशहरे का दिन मर्डर के लिए चुना। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी एक साथ पंजाब की एक जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गों से शूटर्स की पहचान हुई। इसके बाद तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इन शूटर्स को 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50,000 रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। मुंबई पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए रवाना हो चुकी है, जिससे इस केस की गहराई तक पहुंचा जा सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। एस्ट्रा के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर का क्या है यूपी और हरियाणा कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। पहला शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल, निवास हरियाणा।
दूसरा शूटर धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल, निवास उत्तर प्रदेश। तीसरा शूटर शिव कुमार, निवासी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में ही कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। तीनों शूटर्स का संबंध इन्हीं दोनों राज्यों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मर्डर से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गतिविधियों पर कई दिनों तक नजर रखी, फिर उन इलाकों की रेखे की जहाँ जहाँ बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। इसके बाद तय हुआ मर्डर का दिन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग एक महीने पहले ही हो चुकी थी। शूटर्स करीब एक महीने पहले ही मुंबई पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई के कुर्ला में 14,000 रुपए महीने पर किराए का मकान लिया और फिर पूरे इलाके की रेकी की। उसके बाद दशहरे का दिन मर्डर के लिए चुना। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी एक साथ पंजाब की एक जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गों से शूटर्स की पहचान हुई। इसके बाद तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इन शूटर्स को 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50,000 रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। मुंबई पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए रवाना हो चुकी है, जिससे इस केस की गहराई तक पहुंचा जा सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। एस्ट्रा के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर का क्या है यूपी और हरियाणा कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। पहला शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल, निवास हरियाणा। दूसरा शूटर धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल, निवास उत्तर प्रदेश। तीसरा शूटर शिव कुमार, निवासी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में ही कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। तीनों शूटर्स का संबंध इन्हीं दोनों राज्यों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मर्डर से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गतिविधियों पर कई दिनों तक नजर रखी, फिर उन इलाकों की रेखे की जहां जहां बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। इसके बाद तय हुआ मर्डर का दिन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग एक महीने पहले ही हो चुकी थी। शूटर्स करीब एक महीने पहले ही मुंबई पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई के कुर्ला में 14,000 रुपए महीने पर किराए का मकान लिया और फिर पूरे इलाके की रेकी की। उसके बाद दशहरे का दिन मर्डर के लिए चुना। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी एक साथ पंजाब की एक जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गों से शूटर्स की पहचान हुई। इसके बाद तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इन शूटर्स को 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50,000 रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। मुंबई पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए रवाना हो चुकी है, जिससे इस केस की गहराई तक पहुंचा जा सके।